अगर आप अभी भी दिवाली गेट टुगेदर्स के लिए कुछ इजी और हटके स्नैक्स ढूंढ रहे हैं तो ये देखिए, ये है ब्रेड पॉकेट्स, जिसे खाकर आप और आपके गेस्ट्स खुश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिए कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। तो इस तरीके से दो ब्रेड स्लाइसेस को ना मैंने बेलन से अच्छे से बेल लिया ताकि ये फ्लैट हो जाए। फिर उसके बाद एक कुकी कटर की हेल्प से मैंने ये राउंड कट कर लिया और ये जो साइड्स में बचा है ना, इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आप सिंगल सिंगल ब्रेड को ना बेलें, दो ब्रेड को एक साथ बेलें। तो चलिए ब्रेड कट गई। अब ये साइड वाले पीसेस को ना मैंने इस तरीके से तोड़ के मिक्सी में डाल दिया, बढ़िया से पीस लिया और ब्रेड क्रम्स बना लिए। फिर एक बोल में डाला है मैंने थोड़ा सा मैदा, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया। इस पे डाला थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कीजिएगा ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसको मिलाया और इस तरीके से एक पतला घोल रेडी कर लिया। अब ये जो राउंड ब्रेड हमने कट करी थी ना, वो मैंने स्लरी में डिप करी और उसके बाद रखा इसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर। दोनों साइड पे बहुत अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया और ये गया ऑयल में डीप फ्राई होने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से जब आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ना, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये ना फूल जाएगा, जैसे पूरी होती है ना, उस तरीके से फूल जाएगा। बस जब ये क्रिस्प ब्राउन कलर के हो गए तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया। इसी प्रोसेस से मैंने बाकी सारे ब्रेड्स भी रेडी कर लिए। तो ये देखिए, इसे मैं बीच में से आपको काट के दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये हमारे अमेजिंग ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए। अभी ये ब्रेड ना काफी गर्म है तो मैंने इसको साइड में रखा ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने लिए कुछ वेजीज और इन्हें मैं कट कर लूंगी। सबसे पहले मैंने लिए रेड बेल पेपर, जिसे मैंने रफली काट लिया। फिर लिए मैंने ये हरी शिमला मिर्च, इसे भी रफली चॉप कर लिया। तो मैं रफली चॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इवेंचुअली हम इसे चॉपर में चॉप करेंगे। फिर काटी मैंने गाजर, प्याज, थोड़ा सा गार्लिक, सबको रफली चॉप करा है और साथ में काट लिया मैंने थोड़ा सा अदरक। अब इन सारी वेजीज को डाल दिया मैंने चॉपर के अंदर और इसे बारीक चॉप कर लिया। फिर मैंने लिए हंकर्ड। तो सिंपली 500 ग्राम दही को ना मैंने कपड़े के अंदर बांध के उसका सारा पानी निकाल लिया और ये हंकर्ड तैयार कर लिया। फिर ये देखिए, मैंने घर में ही ना पनीर बनाया था। इस पनीर में से 50 ग्राम पनीर निकाला और ये भी मैंने अच्छे से इसके ऊपर ग्रेट कर लिया। इस पे डाल दी ये चॉप्ड वेजीज, भुना हुआ जीरा, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और ये ना पुदीने के पत्ते हैं, तो इसे मैंने काटा नहीं है, इस तरीके से ही हाथ से तोड़ के मैंने इन्हें डाल दिया और साथ में डाला फ्रेश हरा धनिया। इसे बहुत बढ़िया से मिलाया। आपको पता है, पनीर डालने से ना इसके अंदर थोड़ी सी क्रीमीनेस आ जाएगी और जो दही की अगर हल्की सी खटास होगी ना, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लास्ट में मैंने लिए थोड़े से अखरोट और क्रैनबेरीज, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया। अगर आपके पास क्रैनबेरीज ना हो तो आप किशमिश भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, अब इन्हें असेंबल करते हैं। तो इन ब्रेड पॉकेट्स में मैंने इस तरीके से इस मिक्सचर को फिल किया और उसके बाद इसे इस तरीके से अखरोट और क्रैनबेरीज के ऊपर रख दिया। तो ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक गए और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रेड पॉकेट्स और ये मिक्सचर आप बना के रख लीजिएगा। जब आपने सर्व करना हो उस टाइम पे इस मिक्सचर को ब्रेड पॉकेट्स में डालिएगा और इमिडिएटली सर्व कर दीजिएगा। है ना इस अमेजिंग और डिफरेंट स्नैक को बनाना कितना ही आसान। तो इस दिवाली आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।